70 राजपुर रोड स्थित पैसिफिक मॉल में वाहनों की संख्या अचानक बढ़ जाने से यातायात व्यवस्था चौपट हो गई थी। इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने जब मॉल प्रबंधन से इसकी शिकायत की तो उल्टा प्रबंधन तंत्र पुलिस से ही उलझ गया। बात इतनी बड़ी कि पुलिस को मॉल के प्रबंधक और सहायक प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करना पड़ा। मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने जाम लगने का ये केवल अकेला मामला नहीं है। शहर में स्थित अधिकांश मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्सों के सामने आए दिन गलत तरीके से पार्किंग के चलते जाम की स्थिति बनी रहती है, जिसको देखते हुए पुलिस ने अब मॉल और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के कर्मचारियों को यातायात का प्रशिक्षण देने की पहल की है। इसके तहत सबसे पहले पैसिफिक मॉल के 10 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा। वहीं एसपी ट्रैफिक धीरेन्द्र गुजियाल ने बताया कि ये प्रशिक्षण सत्र एक सप्ताह का होगा, जिसमें उन्हें यातायात नियमों के साथ पार्किंग के गुर सिखाए जाएंगे। क्राइम स्टोरी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, देहरादून। शहर के जो मल्टी शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस है, वहाँ पर वीकेंड्स पे या अन्य विशेष अवसरों पर यातायात का ज्यादा दबाव होता है, और एसएसपी मैम के निर्देश में उन लोगों को बाहर उन लोगों को बुलाया गया है और उनको एक प्रशिक्षण देने की बात हुई है कि उनके जो गार्ड है उनको यातायात के संचालन के बारे में हम लोग ट्रेन करने के लिए निर्देश हुए हैं। तो जो भी कॉम्प्लेक्सेस में भीड़ भाड़ न रहे, लोगों को जो स्थानीय लोगों को कॉम्प्लेक्स की वजह से परेशानी न हो और सड़क दुर्घटना न हो, इस बात में उनको ट्रेन करने के लिए निर्देश दिया गया है।